नमस्कार, मैं हूं कन्हैया ठाकुर। ईडी की टीम गंगापुर आई थी। मंगलवार को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कुल 11 घंटा तक इसी आवास में ईडी की टीम मौजूद रही, जहां से मैं आपको इस खबर की जानकारी दे रहा हूं। बिहार पटना के ईडी की टीम थी। टीम में 19 लोग के होने की जानकारी मिल रही है। 3 गाड़ी से आए थे, 3 चालक थे, 10 लगभग केंद्रीय पुलिस रिजर्व फोर्स के जवान थे, जिसमें 2 महिला पुलिस थी और 6 अधिकारी थे। जो चीफ थे उनका नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह बताया गया है, क्योंकि उन्हें जो केयर टेकर थे उन्होंने बताया कि उस नाम से ही वे दस्तखत किए थे। 11 घंटे की छानबीन के बाद टीम यहां से चली गई है। घर पर जो 2 लोग थे, केयर टेकर संदीप कुमार और जो खाना बनाने वाले हैं, एक नरवार के सुनील यादव नाम के व्यक्ति, वही 2 व्यक्ति थे। और खास बात यह रही कि जो टीम के सदस्य थे, इसी घर के जो रसोइये हैं, जब भूख लगी तो उन्हीं के हाथ से बना हुआ खाना को खाए। दाल भात चोखा खाकर वे लोग गए हैं यहाँ से, ये अच्छी बात है। हालांकि टीम के सदस्य उसका कुछ मूल्य चुकाना चाहते थे, लेकिन जो केयर टेकर हैं वे नहीं लिया। घर के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। इन्होंने बताया कि जो पूर्व विधायक हैं गुलाब यादव जी, MLC उनकी पत्नी अंबिका गुलाब यादव और उनकी पुत्री जो जिला परिषद अध्यक्ष है बिंदु गुलाब यादव, इन तीनों के अलावा परिवार के अन्य कोई भी सदस्य मंगलवार को इस आवास पर, गंगापुर आवास पर नहीं थे। जानकारी हमें मिली है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम यहां पहुंची थी, गंगापुर में टीम पहुंची थी। और जो जानकारी मुझे मिल रही है, हमारी जो टीम के जो सूचना तंत्र है उससे जो जानकारी मिल रही है, पटना के आवास पर भी ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। पटना में इनका जो सरकारी आवास है वहां भी, और पटना में निजी आवास है वहां भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। पुणे में छापेमारी हो रही है या नहीं, इसकी जानकारी अप्राप्त है। अपुष्ट जानकारी है कि वहां भी छापेमारी हो रही है। एक और जानकारी है, IAS संजीव कुमार हंस के ठिकाने पर भी छापेमारी हो रही है। जो ईडी के सूत्रों से जानकारी मिल रही है, बिहार में कुल 12 जगह आज ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। तो बिहार की बात हुई। अब आते हैं गंगापुर पर। गंगापुर गांव में 11 घंटे तक खाक छानने के बाद ईडी की टीम वापस चली गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ कुछ ऐसी भी कोई भी ऐसी बातें उनको नहीं मिली, कोई ऑर्नामेंट्स, कोई पैसा या कुछ ऐसी बातें नहीं मिली। जो कुछ कागजात थी, तीनों, मैंने बताया कि तीनों घर बंद थे, तीनों घर का चाबी केयर टेकर के पास था, उनको खोला गया। कुछ अलमारी ऐसे थे जिनका चाबी केयर टेकर के पास में नहीं था, उस अलमारी को तोड़ा गया, तोड़ करके कुछ कागजात निकाला गया। टीम के साथ प्रिंटर भी मौजूद था, उन कागजातों का फोटोकॉपी किया गया और फोटोकॉपी करने के बाद वो कागजात दे दिया गया। आइए हम मिलते हैं यहाँ पर जो संदीप कुमार थे, वो क्या महसूस करते हैं, उनसे क्या पूछा गया। टीम के जाने के बाद अगल बगल के लोग काफी उत्सुक बस यहाँ पहुंचे हैं और विभिन्न प्रकार की जानकारी ले रहे हैं। लोग राहत की भी सांस ले रहे हैं कि चलो ईडी की टीम चली गई, अब थोड़ा आजाद जैसा महसूस कर रहे हैं। संदीप जी, आप मौजूद थे जब टीम आई? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मौजूद था उस टाइम। कितने बजे आई थी? 6:15 में ही इन कर गए हैं। आप उस समय में घर में कौन कौन लोग थे? मैं अकेले था उस समय घर में। और कोई खाना बनाने वाले नहीं, वो थोड़ा बाद में आए हैं। जी जी जी। लेकिन जिस टाइम मैं वो अंदर प्रवेश किया घर में 6:15 बजे, उस टाइम हम अकेले घर में सोए हुए थे रूम में, अपने रूम में। जी जी। वो मेरे रूम में जाकर के हमको उठाया कि आप उठिए, कौन है आप? हम लोग ईडी से हैं, यहाँ रेड के लिए आए हैं। हमने उनसे पूछे कि भाई ईडी यहाँ क्यों आए हैं आप लोग? नहीं, आपका हर जगह वो चल रहा है, आप पता कर लीजिए। तो हमने कंफर्मेशन के लिए कॉल भी किया, मुझे प्राप्त जानकारी मिली कि वास्तविक रूप से ये लोग आए हैं यहाँ भी। तब जाकर के वो, मतलब कॉल कहाँ है, पटना? हाँ, हम कहीं कंफर्मेशन के लिए पूछे, हाँ हम पूछे तो मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, ठीक, वास्तविक में ये लोग ईडी से हैं और ये मेरे यहाँ घर पे विधायक जी का वास्तविक रेड के लिए आए हैं। तब जाकर के उन लोगों के पास जो नोटिस था उस पर उन्होंने हमसे साइन करवा, दस्तखत करवा लिया कि आपके एब्सेंस में हम यहाँ जो भी करेंगे वो आप मेरे निगरानी में रहिएगा। और उसी समय मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया
और उसके बाद से मुझे जब ये लोग निकला है तब जाकर के मेरा मोबाइल दिया है, जिससे मुझे काफी भर दिन परेशानी हुआ है। मतलब 11 घंटे तक लगभग कैदी की जिंदगी जिया। हाँ, पूरा। अच्छा अच्छा, और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स ऐसी कोई चीज नहीं मिला है। उन लोगों को जहाँ जहाँ तलाशी करना था, नीचे ऊपर हर जगह, हर बेड किचन से लेकर बेड तक हर जगह वो लोग खंगाला, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। जानकारी मिली कि कुछ अलमीरा बंद था जिसका चाबी आप लोगों के पास नहीं था। वो चाबी नहीं था, स्टाफ के पास भी नहीं था और मेरे पास भी चाबी नहीं था। बाद में उन्होंने उसको तोड़ दिया, लेकिन तोड़ने के बावजूद भी उसमें कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। उन लोग जो कागजात उनको ले जाना था या देखना था उसका, फोटो कॉपी वगैरह सब, प्रिंटर तो लेके आते हैं? कुछ कुछ प्रिंटर लेके वो आए थे, जैसे कुछ कुछ पासबुक मिले और जैसे पासपोर्ट इससे मिले, यही सब कुछ कुछ डॉक्यूमेंट था उसका, वो उन्होंने स्कैन करके उन लोग प्रिंट आउट निकाल करके लेके गए। एक बात और, गुलाब यादव जी काफी पॉपुलर हैं यहाँ पर, लोग जानना चाहते हैं कि उनके अनुपस्थिति में आपके साथ ईडी के अधिकारियों ने कोई बदसलूकी भी की, कोई जोर जबरदस्ती से भी पूछताछ की, हरासमेंट भी किया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सब अपनों की तरह, वो लोग पदाधिकारी थे लेकिन फिर भी हमने कोऑपरेट ही किए। अच्छा, बहुत अच्छे से उनका जो काम था वो लोग कर रहे थे और हम बैठे हुए थे, मेरा मोबाइल जब्त किया हुआ था, बस हम देख रहे थे कि कहाँ का, जैसे रूम में गया, रूम में उस लॉक को तोड़ रहा था, उस समय हमको खड़ा करवाया कि आप यहीं रहिए, सारा कुछ आपके संसमें किया जाएगा। तो हम वहाँ खड़े थे और उन्होंने सारा कुछ तोड़ते हुए सब कुछ देखा और यही सब हुआ। मतलब काफी कोऑपरेटिव वो भी थे और आप भी कानून को मानते हुए पूरा, ईडी के लोग भी मुझे कोऑपरेट कर रहे थे, आप घबराइए नहीं, मतलब जो भी कुछ होगा वो आपके सेंस में ही देखा जाएगा और कुछ प्राप्ति होगा तो वो हम आपको बताएंगे। तो लेकिन ऐसी कोई प्राप्ति हुआ नहीं और इस उन्होंने आश्वस्त भी किया कि जाइए, यहाँ तो कुछ नहीं मिला आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये जीवन का पहला अनुभव था? जी, ये हम इससे पहले सुनते थे कि ईडी का रेड चल रहा था कहीं, जी जी, लेकिन आज हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों देखे, हाल देख भी लिया। अब तक जो आप सिनेमा में देखते थे वो प्रत्यक्ष मैंने देख लिया कि ईडी का छापा कैसे किया जाता है, मेरे आंखों के सामने किया। दर्शक एक चीज और जानना चाहते हैं, जो कि इतना 11 घंटा रहे तो बीच में भूख तो उनको लगी होगी। हाँ, उन्होंने खाना खाने के लिए परेशान किया कि आपका तो कुक कहाँ है, तो मेरा कुक था घर पे, तो खाना उन लोगों ने बोला, तो बोला कि ठीक है खाना बनवा देते हैं। तो खाना बनवाने के बाद वो लोग खाना पीना खाए हैं, क्या खाए, आराम भी किए हैं, चावल दाल सब्जी चोखा यही सब खाए हैं, अचार यही सब खाए हैं, बोला मिथिलांचल का सबसे बेस्ट खाना यही सब होता है। वो लोग भी तारीफ कर रहे थे कि चलिए बहुत अच्छा, हम लोगों को भी यहाँ कोऑपरेट मिला खाने पीने के लिए, हर टाइम पानी चाय उन लोगों को भी देते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ उन लोगों को भी। जाते वक्त कुछ पंचनामा पर दस्तखत करवाए? दस्तखत कुछ डॉक्यूमेंट्स पे करवाए कि हम आपके सेंस में जो भी किए समक्ष में किए, और अभी हम जा रहे हैं तो आप मुझे चेकिंग कर सकते हैं कि हम आपके यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जा रहे हैं। जी जी, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे तलाशी कर लीजिए, हम आपके यहाँ जैसे ही खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ जा रहे हैं। धन्यवाद। अधिकारी में शायद मेरे अनुभव से 6 लोग थे। आपने सुना कि किस प्रकार इन्होंने बताया कि ये कानून की बातों को मानते हुए और पूरा कोऑपरेट किए, अधिकारियों को भी कोऑपरेट किए, अधिकारी भी इनको कोऑपरेट कर रहे थे, दोपहर में भूख लगी तो खाना भी खाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी के अधिकारी इनको बताए कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ, प्रिंटर वो लेके आए थे, जो कागजात उनको चाहिए था, जो जरूरत था उसका प्रिंट आउट निकाल करके वो लेते गए पूरी पारदर्शिता के साथ, अगर कोई अलमारी भी तोड़ रहे थे तो वहां पर इनको मौजूद किया गया था। फिलहाल ईडी की टीम यहां से जा चुकी है पटना में, इस वक्त जब मैं आपको इस समाचार की बारे में जानकारी दे रहा हूं वहां पूछताछ किए जाने की जानकारी अभी तक मिल रही है। फिलहाल जो कोई भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूंगा। गंगापुर और झंझारपुर के लोगों के लिए यह पहली बार थी जब ईडी की टीम यहां पर पहुंचते हैं, घर के केयर टेकर जो जिनसे मैंने आपको बात कराई उन्होंने भी हंसते हुए कहा कि अब तक मैं फिल्मों में देखता था कि ईडी की रेड डाली जाती है, आज प्रत्यक्ष देख लिया। फिलहाल आगे भी जो जानकारी होगी मैं देता रहूंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में अवश्य कहें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय के साथ बीते।